गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस सेशन का मतलब क्या है, क्यों हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट ये समझिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस हमें नहीं पता होती, हम आईपीएम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन डेप्थ में सिलेक्शन प्रोसेस हर आईएम की नहीं पता होती। इसकी वजह से हम लोग उस पर्टिकुलर कॉलेज को, उस पर्टिकुलर आईएम को टारगेट करना भूल जाते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ्स पर है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर आईएमपी सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। अगर आपको पता भी है कि किस पर्टिकुलर आईएम में किस तरीके से एंट्री लेनी है, उसके बावजूद भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जरूर एक दो पॉइंट्स जो बहुत क्रूशियल है वो मिस कर रहे होंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग मेरी रिक्वेस्ट रहती है, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब करके जाओ सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड कमिंग अप सम फैंटास्टिक कंटेंट। आई एम क्वाइट श्योर दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं आई एम इंदौर की। आई एम इंदौर अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, नाउ आईपीएम और आईपी मैट क्यों बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे ना तीन चार रीजंस हैं। सबसे पहले वो सेक्शन कट ऑफ रख रहा है, तो तीन यहां पर सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का शॉर्ट आंसर सेक्शन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद वर्बल एबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चंस आपके 9th 10th तक के ही आते हैं, कहीं कहीं क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 11th के भी कुछ सब्जेक्ट जिसको मॉडर्न मैथ्स या हायर मैथ्स कहा जाता है वो भी क्वेश्चंस आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ लगते हैं, सेक्शनल टाइमिंग लगते हैं तीनों सेक्शंस के। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही है, साथ साथ एक मिश्रण है एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, चार ऑप्शंस जहां पे दिए जा रहे हैं आपको, और टीटा का जहां पे आपको आंसर को टाइप इन करना पड़ता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेगमेंट में आपको क्वेश्चंस को टाइप करना पड़ता है, हालांकि वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज की वजह से ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही टफ बन जाता है। ठीक है, नाउ एग्जाम लेवल ऑफ डिफिकल्टी मोस्टली टफ रही है, किसी किसी साल मॉडरेट रही है। हाँ, हालांकि वर्बल एबिलिटी का सेक्शन ओवरऑल मैं बात करूं तो टफ रही, वर्बल एबिलिटी के सेक्शन को इजी टू मॉडरेट के बीच में हम रख सकते हैं, वो सेक्शन टफ नहीं होता उतना ज्यादा। नाउ आईपी मैट इंदौर बिकम्स वेरी क्रूशियल बिकॉज सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को, आईपी मैट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंडक्ट करवा रहा है इंदौर, आई एम इंदौर, उसको सिर्फ आई एम इंदौर नहीं बाकी 10 और कॉलेज, 9 और कॉलेजेस, टोटल 10 कॉलेजेस कंसिडर कर रहे हैं। और होता क्या है, आई एम इंदौर में अगर आपको जाना है तो बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, फिर उसके बाद जो 9 कॉलेजेस हैं वो धीरे धीरे अपना कट ऑफ रिड्यूस करते हैं आई एम इंदौर से। सो नंबर 2 पेस में आई एम रांची आता है, नंबर 3 पेस में IFT आता है। तो तीन बहुत ही बेहतरीन, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस आईपीमेट इंदौर का कट ऑफ, आईपीमेट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। कहीं ना कहीं ये सिंगल एंट्रेंस एग्जाम हो गया है अगर बड़े कॉलेजेस को कंसिडर किया जाए। इसके अलावा भी काफी सारे इंस्टीट्यूट लाइक निर्मा यूनिवर्सिटी, नालसा, IFMR जो कि आईपीमेट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं और जिनका एवरेज प्लेसमेंट कहीं ना कहीं 12 लाख के ऊपर आज के टाइम पे जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, सिलेक्शन पूल इज बेस्ड ऑन सेक्शन कट ऑफ एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो होता क्या है, अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, इसका मतलब आप सिलेक्ट नहीं हुए, इसके बाद भी सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू होगी। आईपीमेट इंदौर जैसे ही आप लिख लेते हैं, उसके बाद उनकी अकेडमिक कमेटी एक लिस्ट बनाती है जिसको अपन कहते हैं कंसिडरेशन पूल या सिलेक्शन पूल, कंसिडरेशन पूल या सिलेक्शन पूल, जिसमें लास्ट ईयर 700 सम स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए थे, उससे पहले 900 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हुआ था। और ये कैटेगरी वाइज लिस्ट बनती है, मतलब आप अगर एससी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो उसका कट ऑफ अलग रहेगा, एसटी को कर रहे हो तो उसका कट ऑफ अलग रहेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, ओबीसी को बिलोंग कर रहे हो, एनसी ओबीसी को बिलोंग कर रहे हो उसका कट ऑफ अलग रहेगा, जनरल का अलग रहेगा। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, 65% वेटेज इसके बाद मिलता है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर जितना भी आपने आईबी मेट में स्कोर किया है, अब ये देखा जाएगा आपका कंपैरिजन वो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, जो कंसिडरेशन पूल है उसमें आपका आपका जो स्कोर है वो कंपिटेंट कितना है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स से कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इसके बेसिस पे एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर निकाला जाता है। बहुत सिंपल तरीका है एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर निकालने का, 50% वेटेज दिया जाता है वर्बल एबिलिटी सेक्शन को
और 25% वेटेज दिया जाता है कॉन्करेबिलिटी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन को, और 25% वेटेज दिया जाता है कॉन्करेबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यू वाले सेक्शन को। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है कि नहीं है? कोई भी चीज, कोई भी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई एम नॉट कमिंग लाइव टुडे, सो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आवर टीम इज गोइंग टू आंसर दी डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ओवर हियर। ठीक है, अब इस स्कोर को 65% वेटेज मिलता है, और इसके बाद इंटरव्यूज आर कंडक्टेड बाय दी इंस्टीट्यूशन। सो इंस्टीट्यूशन इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता है, इंटरव्यूज को 35% वेटेज मिलता है, अच्छा खासा वेटेज देता है आई एम इंदौर। बेस्ड ऑन दिस फाइनली आपको कॉल किया जाता है। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट लिख रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर निकाला जाएगा, जिसको 65% वेटेज, 35% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यूज को, जो अब तक ऑनलाइन कंडक्ट किए जा रहे थे, अब हम लोग वेट कर रहे हैं आई एम इंदौर इस पर अपनी आईपीएम एडमिशन पॉलिसी रिलीज करेगा, तो किस तरीके से वो उसे लेता है, ऑनलाइन की ऑफलाइन। यहां तक क्लैरिटी है? नाउ लेट्स मूव अहेड, मूव टू आई एम रोहतक। आई एम रोहतक अनलाइक आई एम इंदौर कंडक्टेड ऑन एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम है आईपीमेट रोहतक। अब क्योंकि हर आई एम अपना अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाना चालू कर देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आई एम रांची, आई एम इंदौर में चला गया, लेकिन आई एम रोहतक अभी भी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। सो अच्छी बात यहां पर यह है कि सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, बट वेबसाइट पे सेक्शनल टाइमिंग्स मेंशन रहती है, जो कि आज तक ही ऑब्जर्व की गई है पिछले 3-4 सालों से, कि जब बच्चा एग्जाम लिखने जाता है वहां पे कोई सेक्शन टाइमिंग्स नहीं होती है। और इस एग्जाम को कंडक्ट तो आई एम रोहतक करवा रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करता है, आई एम रोहतक, लाइक आईपीमेट इंदौर, जहां पे 10 इंस्टीट्यूट्स उसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे थे, यहां पर सिर्फ आई एम रोहतक का, आप आई एम रोहतक ही इस पर्टिकुलर एंट्रेंस का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप चूज कर सकते हो कि आई एम इंदौर लिखना है, रोहतक लिखना है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए रोहतक को, क्योंकि इससे सिर्फ अगर अगर मनी वाइज इश्यूज है तो, लेकिन फॉर्म एंड फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। कुछ रिलैक्सेशंस आई एम इंदौर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देता है, जो कि आई एम रोहतक नहीं देता, तो ये इंस्टीट्यूट पास एकेडमिक्स में बहुत हेवी वेटेज डालता है। आई एम रोहतक सबसे ज्यादा वेटेज डालता है पास एकेडमिक्स में। तो अगर आपके 10th में बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं, 12th में भी अच्छे आए हैं, या आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर लोगे अगर इस साल अपियर कर रहे हो आप 12th में, तो आई एम रोहतक बहुत अच्छा चॉइस बनता है, क्योंकि 40% वेटेज देता है पास एकेडमिक्स को, अनलाइक आई एम इंदौर जो कि बिल्कुल एक्सप्लिसिट वेटेज नहीं दे रहा था। लेकिन आई एम रोहतक और आई एम इंदौर दोनों आपके 11th एंड 12th के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं इंटरव्यूज में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा समझोगे ना, समझ में आ जाएगा कि कौन सा आई एम आपकी चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये 40% वेटेज पास एकेडमिक्स को दे रहा है, तो कैसे देता है? इसमें रिश्यू आपका क्लियर ही रहेगा 1:1 का, मतलब 20% जितना टोटल रहेगा वो जाएगा किसको? 10th को, और 20% आउट ऑफ दैट 40% जाएगा किसको? 12th को। ठीक है, 1:1 का रेशियो, बिल्कुल एग्जैक्टली 10th को भी इतनी वैल्यू जितनी 12th को वैल्यू। अब एक और बात, आईपीएमएट रोहतक 45% वेटेज देता है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट को, मतलब आई एम रोहतक जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है आईपीमैट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको 45% वेटेज देता है। ठीक है, पास एकेडमिक्स को 40 दिया, टोटल कितना हो गया? 85, बचा कितना? 15% वेटेज देता है ऑनलाइन इंटरव्यूज को, और आई एम रोहतक ने अपनी आईपीएम एडमिशन पॉलिसी इस साल रिलीज कर दी है, और उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि वो इस साल भी ऑनलाइन इंटरव्यूज ही कंडक्ट करवाएगा। एक और बात, आईपीमैट इंदौर का जो एग्जाम था उसमें हमने आपको 3 सेक्शंस तो बताए थे, लेकिन उसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन नहीं था। यहां पर 3 सेक्शंस हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी भी रहता है। तो लॉजिकल रीजनिंग इज एन एडिशनल सब्जेक्ट दैट यू नीड टू स्टडी फॉर आई एम रोहतक, आईपीमैट रोहतक। ठीक है, एक और बात यहां पर, एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि आई एम रोहतक पिछले 3 साल से जो इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहा है उसमें एक एक्सटेम्परे भी जरूर पूछता है। सो दे विल डेफिनेटली, आई एम इंदौर मे और मे नॉट आस्क, आई एम रोहतक विल डेफिनेटली यू नो गिव यू अ टॉपिक जिसके ऊपर आपको 1 या 2 मिनट के लिए बोलने को कहेगा आफ्टर कलेक्टिंग एंड गैदरिंग योर थॉट्स। 15% का वेटेज है इंटरव्यू का, वहां पे 35% का है। ये क्लैरिटी आई थिंक आप सबको मिल गई होगी अब तक। आई एम इंदौर की बात कर ली, आई एम रोहतक की बात कर ली, अब बात करते हैं आई एम रोहतक जितने ही इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग कॉलेज की, जिसका नाम है आई एम रांची। आई एम रांची के ऊपर बात करते हैं। सो आई एम रांची, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, डजंट कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस टेस्ट, बट रिलाइज ऑन
अल्टीमेट इंदौर स्कोर कार्ड, बट सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग है आई एम इंदौर से। तो समझना बिल्कुल ध्यान से, मेजोरिटी ऑफ यू आई एम रोहतक और आई एम इंदौर के बारे में आपको पता होगा, लेकिन आई एम रांची के बारे में नहीं पता होगा काफी सारे लोगों को। अच्छा, आई एम रांची आई एम इंदौर की तरह ही इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराता है, लेकिन पास एकेडमिक्स को कंसिडर करता है। आई एम इंदौर उधर नहीं कर रहा था, लेकिन ये पास एकेडमिक्स को कंसिडर करता है। सो आईपीमेट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है। अब आई एम इंदौर से एक और बात में अलग है, आई एम इंदौर अपना सेक्शनल कट ऑफ रिलीज कर रहा था, सेक्शनल कट ऑफ को मतलब हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहा था, लेकिन आई एम रांची उन स्टूडेंट्स के लिए भी बून है जो सेक्शनली अपना अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिछले साल आई एम रांची ने अपना जो कट ऑफ रिलीज किया वो ओवरऑल कट ऑफ था, उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं था। सबसे अच्छी बात ये है आई एम रांची की, 50% वेटेज देता है किसको, आईपीमेट इंदौर को। वहां आई एम इंदौर कितना दे रहा था, 65%, ये 50% देता है। तो बाकी 50% किसको वेटेज देता है, 30% वेटेज देता है ह्यूमंगस टू द इंटरव्यूज, इंटरव्यूज को 30%, और 20% वेटेज देता है आपका पास एकेडमिक्स। पास एकेडमिक्स मतलब 10th में आपका कितना परसेंटेज आया, 12th में आपका कितना परसेंटेज आया। अब इसको भी उसने 13:7 के रेशियो में डाला है, तो 12th के स्कोर कार्ड को वो 13% आउट ऑफ 20% वेटेज देगा, और 7% जो बचा हुआ है वो देता है किसको, 10th के स्कोर कार्ड को। यहां तक क्लैरिटी है? तो अपन ने तीन बड़े आयाम्स तो क्लियर कर लिए, और एक चीज यहां पर है कि दो आयाम्स पास अकेडमिक्स को बहुत वेटेज दे रहे हैं, आई एम रोहतक आई एम रांची, ये दोनों आयाम्स इंटरव्यूज भी कंडक्ट करा रहे हैं, इंटरव्यूज को भी एक अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। आई एम इंदौर पास एकेडमिक्स को वेटेज नहीं दे रहा, लेकिन वेटेज किसको दे रहा है, इंटरव्यूज को बहुत ही ह्यूमंगस वेटेज दे रहा है। अब बढ़ते हैं अपन आई एम जम्मू की तरफ, और ये कॉलेज बाकी तीनों कॉलेज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना ये पास एकेडमिक्स को वेटेज देता है ना इंटरव्यूज को। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, जो इंटरव्यूज में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, उनके लिए ये चॉइस बहुत अच्छी बनती है, और एप्टीट्यूड टेस्ट को पूरी तरीके से वैल्यू देगा। मतलब ये समझ लेना कि जिपमेट का स्कोर कार्ड सर्वे सर्वा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा वो जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशंस टेस्ट। तो आईपीमेट रोहतक की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जिपमेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है, साथ साथ डीआई भी पूछी जाती है, कंपल्सरली पूछी जाती है। तो आईपीमेट रोहतक में हो सकता है डीआई पूछी जाए ना पूछी जाए, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी डीआईएलआर पूछा जाता है। ठीक है, अब वर्बल एबिलिटी भी पूछा जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटी भी पूछा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि आप आईपीमेट इंदौर की प्रिपरेशन करो तो साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कर लो, तो आपका आईपीमेट रोहतक और जिपमेट का प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझना इसका फाइनल किस तरीके से कॉल आएगा। तो किसी भी स्टूडेंट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो रिलीज करेगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं बैठता, यहां पर भी सेक्शनल कट ऑफ का कोई वेटेज नहीं है इन आईएम जम्मू, लेकिन 5% जेंडर डाइवर्सिटी को वेटेज देता है। तो 5% जेंडर डाइवर्सिटी को वेटेज देने का मतलब क्या है, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो आपको 5 मार्क्स पहले ही मिल जाते हैं, सो दे आर गिविंग दिस एडवांटेज टू गर्ल स्टूडेंट्स, और अगर आप मेल्स कैंडिडेट तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिपमेट पे 95% वेटेज देता है और गर्ल स्टूडेंट को एडिशनल 5% वेटेज देता है। डजंट कंडक्ट एनी इंटरव्यूज, डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन पास एकेडमिक, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप 60% से ऊपर है, जनरल कैटेगरी के हैं, एनसी ओबीसी के हैं, तो 60% के ऊपर आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इन 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, तो ही आप एग्जाम लिख सकते हो जिपमेट का। और अगर उससे कम है, 55% से कम है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, एस सी एस सी पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी के हो, तो आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे, ये क्लैरिटी। तो 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 55% फॉर द रिजर्व कैटेगरी इज द मस्ट मार्क्स, मिनिमम मार्क्स फॉर राइटिंग जिपमेट एग्जामिनेशन पहले से। ठीक है, एक और छोटी सी चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो मैं आपसे कहूंगा कि आई एम जम्मू की वेबसाइट पे जरूर जाइएगा। तो लोग कहते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जरूर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है आई एम जम्मू के, लेकिन एक प्री अलॉटेड सेक्शनल कट ऑफ है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लेके ही आने हैं कैटेगरी वाइज, तो ही आप वो मिनिमलिस्टिक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर किसी भी सेक्शन में उन मार्क्स से कम आए तो आई एम जम्मू आपको कॉल ही नहीं करेगा। हो सकता है कि आपका कोई एक सेक्शन बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है आई एम जम्मू। तो यहां पर एक सेक्शनल प्री अलॉटेड सेक्शनल इस कट ऑफ वर्ड हम गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि से कट ऑफ आइडली बाद में आना चाहिए। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन है, प्री अलॉटेड रिस्ट्रिक्शन फॉर ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी का अलग है, एक तो मतलब आप जनरल के हो तो अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग,
और साथ साथ यहाँ पर सेक्शनल लेवल पर भी है, तो आपका DILR का भी जाएगा, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का भी जाएगा, मोबिलिटी का भी, पूरी तरीके से यहाँ पर सेक्शन कट ऑफ जाएगा और सेक्शनल रिस्ट्रिक्शन जाएगा। ठीक है, वर्ड दोनों अपन कट ऑफ यूज करेंगे तो हो सकता है आप पहले से कंफ्यूज हो जाओ। जिपमेट एग्जाम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात की जाए तो, अच्छा लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात की जाए तो IPMET की मैंने बात करी कि हमेशा मोस्टली टफ रहता है, वर्बल एबिलिटी का सेक्शन इजी टू मॉडरेट रहता है। IPMET ड्रॉप तक टफ आता था, मॉडरेट टू टफ होता था, लेकिन पिछले साल काफी इजी टू मॉडरेट कर दिया उन्होंने, इनफैक्ट इजी कर दिया, इजी टू मॉडरेट भी नहीं इजी कर दिया। और जिपमेट की अगर बात की जाए तो पिछले 3 सालों में एक चीज देखी गई है, हर साल लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रही है। तो पहले कभी इजी था तो फिर इजी टू मॉडरेट हुआ, अब कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी के बीच में बैठ रहा है पिछले साल, और लग रहा है इस साल भी मॉडरेट टू टफ आएगा, क्योंकि टफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है फॉर द क्लास ऑफ कॉलेजेस लाइक आई एम जम्मू एंड आई एम बोध गया। ठीक है, हमने जम्मू की बात करी, आई एम बोध गया भी बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे जम्मू चलता है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है। तो यहां पर भी पूरा का पूरा वैल्यू एंड वेटेज मिलता है जिपमेट को, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। बट आई एम बोध गया टेक स्कोर कार्ड ऑफ जिपमेट, इट डिक्लेयर्स कट ऑफ इन टू डिफरेंट सेगमेंट्स, दो डिफरेंट सेगमेंट्स में फिर कट ऑफ निकालता है। सो ये जेंडर डाइवर्सिटी उसने पहले ही दे दिया 5% वेटेज, लेकिन ये क्या करेगा, कट ऑफ अलग अलग निकाल लेगा, एक SNG निकालेगा सुपर न्यूमरी गर्ल्स सीट्स के लिए कट ऑफ जो थोड़ा सा कम रहेगा, और कट ऑफ फॉर जनरल फॉर ईच कैटेगरी। तो मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप बाकी सारे कैटेगरीज में आपको थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बात वही हुई, थोड़ा सा कान पकड़ने की तरीका अलग है, यहां से नहीं घुमा के पकड़ रहा है। ठीक है, कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराता, कोई पास अकेडमिक्स कंसिडरेशन नहीं देता, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल वैसी है, 60% 55%, 60% फॉर जनरल NC OBC एंड 55% फॉर दी रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, प्री अलॉटेड सेक्शनल कट ऑफ भी, इन्होंने सेक्शनल कट ऑफ दिया हुआ था, इन्होंने क्या कर दिया, जितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं 30 परसेंटाइल हर सेक्शन के, हर कैटेगरी में 30 परसेंटाइल पहले बोल दिया कि भाई 30 परसेंटाइल के ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हो हर सेक्शन में तो ही आप एलिजिबल हो। तरीका वही है कि उन्होंने मार्क्स बता दिए, इन्होंने परसेंटाइल बता दिया, बस आप किसी भी कैटेगरी के हो। तो अगर SC कैटेगरी के हो, अगर आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने DILR में 30 परसेंटाइल मार्क जितना भी SC कैटेगरी का था उससे ऊपर नहीं किया तो आपको कॉल नहीं आएगा, कॉल ही नहीं आएगा, चाहे फिर कट ऑफ बाद में जितना भी जाए। तो ये प्री अलॉटेड सेक्शनल रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, कट ऑफ इसके भी अलग जाते हैं जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। जिपमेट की एग्जाम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करी कि हर साल बढ़ा है, तो ये 5 IIMs की सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी था। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने जरूर सोचा कि ये सेंटेंस जरूर लिख लूं और पढ़ के बताऊं, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सुपरग्राड टेलीग्राम चैनल एंड लर्न टुगेदर कम्युनिटी दैट इज management.toprankers.com, यहां पर जाके यू आर ओवर लुकिंग एन ऑथेंटिक प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन एक्सपीरियंस दैट कंबाइंस एंजॉयमेंट, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, सटल डिटेल्स एंड फ्री स्टडी मटेरियल एज वेल, स्पेशली टेलर्ड फॉर IPM and BBA एग्जाम्स। क्लियर कहूंगा, एक बार फिर से पढ़ लो, सुपरग्रेट टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना सारा कंटेंट आ रहा है वहां पर, क्यों नहीं वहां पर आप लोग आ रहे हो। और दूसरा management.toprankers.com एक कम्युनिटी है जहां पर आपके सारे डाउट्स को आंसर कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, आपके मेंटर्स, एवरीवन, एक डिस्कशन फोरम है। वहां पर भी नहीं आ रहे हो तो क्यों भला, ये दो चीजें आपके लिए बहुत 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 लाभदायक है, जाकर जरूर अभी की अभी सब्सक्राइब या ज्वाइन करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, विल बी कमिंग अप विथ सम मोर फैंटास्टिक वीडियोज लाइक दिस इन डेज टू कम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग, आई एम राहुल वसवानी नाउ साइनिंग ऑफ। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डाल दो, एंड एक और बात, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, हिट द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।